चले न हनुमान के बिना। अपने घर के लोग मिल जाते हैं तो यात्रा का आनंद डबल। और अपने आवासी भी धन्य हो गए। पूरी ट्रेन का सबसे बेस्ट पार्ट है ये। ये लड़के आए थे स्टेशन पे ड्रॉप करने के लिए, तो वो अपने फैमिली मेंबर है, वो बोल रहे हनुमान जी ने रोते मिलते हुए सारी बात बताई। हमारे तो इस मशीन के नीचे में यहाँ स्पेस है, नीचे में बटन डाला जाता है। हाजी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी मैं अयोध्या में हूँ और रामायण यात्रा का आज हम लोग का तीसरा दिन है। तो आज का प्लान ये है कि आज हम लोग यहाँ से जाएंगे नंदीग्राम और फिर नंदीग्राम से आएंगे वापस रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, होटल चेकआउट करेंगे और ट्रेन से, रामायण एक्सप्रेस ट्रेन से फिर हम लोग निकलेंगे बिहार के सीतामढ़ी की ओर। रूम नंबर 502। तो हम लोग की बस प्रस्थान कर चुकी है नंदीग्राम के लिए। तो बोलिए जोर से, सियावर रामचंद्र की जय, भवन सूत्र हनुमान की जय, भक्त भरत की जय। हम सब अयोध्या आए थे, आप तो अपने जिंदगी के पड़ाव में अयोध्या आए, आप धन्य हुए, अयोध्या वासी भी धन्य हो गए, क्योंकि 2014-15 से पहले ये सोचे भी नहीं थे कि देश के इतने चाहने और प्यार करने वाले लोग अयोध्या आएंगे और हम सबको प्यार करेंगे। हर देश के हर तरफ भगवान ही भगवान और राम ही राम का गूंज चल रहा है। इसी बीच में हम सब अयोध्या आए, धाम का हमने भ्रमण किया, कुछ परेशानियों के साथ, धाम बिना परेशानी का होता भी नहीं है, कुछ परेशानियों के साथ हमने कल किया और होप आगे पाएंगे तो और चीजें अच्छी होती जाएंगी। तो अभी टाइम हो रहा है 1:50 और हम लोग पहुंच चुके हैं नंदीग्राम और 3:30 में, मतलब 3:30 बताया गया हम लोग को वापस बस में जाना है। बस से हम लोग जाएंगे स्टेशन की ओर, मतलब लगभग 1.5 घंटा का समय बाकी है। यह है श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर। भरत जी हनुमान जी का मिलन यहीं पे हुआ था पहली बार। नीचे एक गुफा बना हुआ है। चलिए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा ये मेरे ही शहर के हैं। मतलब पता है आपका भाई समस्तीपुर से है, तो अंकल समस्तीपुर से ही हैं, समस्तीपुर में पूसा से हैं ना आप, ये पूसा से हैं और ये आंटी मतलब मुजफ्फरपुर से हैं, ठीक है, लेकिन रहते हैं ये लोग महाराष्ट्र में, तो मुंबई में रहते हैं। और यात्रा कैसा चल रहा है अभी तक? बढ़िया चल रहा है ना? हाँ, तो वही है ना कि अपने लोग अगर मिल जाते हैं ना, अपने घर के लोग मिल जाते हैं तो यात्रा का आनंद डबल हो जाता है। चलिए मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। अभी तो आज तीसरा दिन है, 17 दिन अभी हम लोग को साथ में रहना है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक ही कोच में ट्रैवल कर रहे हैं, A1 कोच में ट्रैवल कर रहे हैं। जब संजीवनी पहाड़ को लेके हनुमान जी जा रहे थे लड़ाई में, जब लक्ष्मण जी को चोट लग गया था, मेघनाथ को जब मार दिया था, तो जब यहाँ से गुजर रहे थे एक बहुत बड़े पहाड़ को लेकर, संजीवनी पहाड़ को लेकर जब गुजर रहे थे, तो भरत जी को लगा ये कौन सा व्यक्ति है जो मेरे शहर के ऊपर से
इतना बड़ा थोड़ा पत्थर लेके जा रहा है, हो सकता है किसी ने किसी को नुकसान कर रहा होगा। तो भरत जी ने जो तीर मारा था वो तीर भी मारने से पहले जय श्री राम बोला। और हनुमान जी जब वो लेके जा रहे थे, वो जब वहां से निकले थे, तो आपने देखा होगा, रामायण भी पढ़े होंगे, आप धर्म सीरियल देखेगा, बहुत लोगों से रास्ते में मिले थे। एक तो उनसे भी मिले थे जो उनको रोकने की कोशिश किए, उनको भी विनाश किए, और जो भगवान प्रभु के स्मरण करे तो उनसे भी मिले। तो जब यहाँ से तीर भरत जी ने जय श्री राम करके छोड़ा, प्रभु भी बोले यार यहाँ पे भी श्री राम जी का आदमी है, पहले देखू तो कौन है जो यहाँ जंगल में बैठ कर भी भगवान का नाम ले रहा है। कोई ना कोई जरूर उनका अपना होगा, और मैं यहाँ से बिना मिले जाऊँ ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि प्रभु पूछ ले कि तुम गए थे अयोध्या नगरी, वहां पे मेरे भाई भी थे, क्या मिले क्या। जैसे वो तीर उनको लगी, दुनिया की कोई ऐसी तीर नहीं हनुमान जी को लग सकती थी। जब उनको तीर लगा, तीर लगवाया गया, लगाए खुद से, भाई देखू तो आखिर कौन है। और जब वो नीचे आए, जय श्री राम करते हुए, तो भरत जी रोने लगे कि यार हमने अपने भाई को ही भक्त को मार दिया। आपने इस मंदिर में देखा होगा, पहली बार भरत जी ने किसी को दौड़ के गले लगाया वो हमारे हनुमान जी थे। और हनुमान जी ने जब पूरी बताया कि भाई ये कहाँ लेके जा रहे हो, ऐसी क्या विकट स्थिति आ गई मेरे भैया के पास। तब जब हनुमान जी ने रोते मिलते हुए सारी बात बताई कि हमारे लक्ष्मण जी को तीर लग गया है, और प्रभु ने आदेश दिया था कि वहां से संजीवनी बूटी लेके आओ, और हम समझे मूर्ख आदमी, हमें बूटी समझ में नहीं, तो हमने पूरी पहाड़ी उठा ली। लेकिन एक विडम्बना है, बोले बताओ, सूर्य निकलने से पहले अगर मैं नहीं गया तो प्रभु का लक्ष्मण जी का प्राण चला जाएगा, और जब लक्ष्मण जी का प्राण चला जाएगा तब प्रभु श्री राम भी अपने को त्याग दे देंगे, और जब प्रभु श्री राम भी त्याग दे देंगे तो आप भी अपने आप को त्याग दे दोगे, तो पूरा ये सिस्टम ही क्लैश हो जाएगा। तो प्रभु आपने मुझे उतार लिया और हमने आपका दर्शन कर लिया, अब ऐसी भी व्यवस्था कीजिए कि मैं पहुंच जाऊं और सूर्य ना निकले। यहां से भगवान भरत ने एक तीर मारा, जिसके कारण से उन्होंने बोला कि जब तक आप पहुंच नहीं जाओगे तब तक सूर्योदय नहीं होगा, और आप पहुंचिए और मेरा संदेशा दीजिएगा कि भरत जी से मैं मिला था और वो ठीक है, क्योंकि तो ये मत बता देना कि भरत किस रूप में रह रहा है, पता चला प्रभु श्री राम को नहीं तो मेरा भाई इस रूप में रह रहा है तो उनको और कष्ट होगा। ये नगरी उसी ने जानी जाती है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पहली बार मिलन हुई थी। 14 साल भरत जी ने यहाँ पे बैठ के अपना वनवास काटा था, 14 साल उन्होंने पूजा किया था, और अपने पिताजी का श्राद्ध कार्यक्रम भी यहीं पे किया था। तो अभी हम लोग कुंड देखने के लिए जा रहे हैं, सभी लोग देख लिए हैं, बस 5-6 लोग हैं वो बचे हुए थे। चलिए पहुंच गए हैं कुंड के पास। तो कुंड के बारे में सारी जानकारी आपको यहां पे मिल जाएगी। मेरे पीछे जो आप कुंड देख रहे हैं, यहीं पे राजा दशरथ का पिंडदान हुआ था। अगर मैं गन्ने की जूस की बात करूं तो भाई गन्ना का जूस बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि पुदीना वगैरह डाल के ये जूस बनाया गया है, तो अच्छा लग रहा है, पुदीना का हल्का हल्का टेस्ट आ रहा है। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:15, और अपनी बस जो है वो निकल चुकी है नंदीग्राम से, और यहाँ से रेलवे स्टेशन लगभग 1 घंटा का समय लगेगा, 1 घंटा में हम लोग पहुँच जाएंगे रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से। अच्छा अच्छा, तो इनके लड़के आए थे स्टेशन पे ड्रॉप करने के लिए, तो वो अपने फैमिली मेम्बर, वो बोल रहे थे कि मम्मी जो है अच्छा गाती है, कुछ मतलब गवाइएगा जरूर। तो अभी तो जर्नी स्टार्ट ही हुआ है, अभी बहुत कुछ अभी दिखाना बाकी है। और ये आप कहाँ से हो? गुड़गांव से आप? और आप? सिक्किम। प्रॉपर सिक्किम से? अच्छा, तो जर्नी करके कैसा लग रहा? तो अभी हम लोग स्टे किए थे अयोध्या में होटल में, तो होटल से बढ़िया लग रहा है अभी यहाँ आए तो, ये बहुत बढ़िया लगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ फार बेटर है उससे। यहाँ पे सभी लोग आपस में मिल रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, ये सही लग रहा है। और खाना कैसा था अयोध्या होटल में जो खाए थे? खाना सही था ना? नहीं, खाना वैसे अभी तक यात्रा में जो खाना स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है, जो जैसे हम लोग को ट्रेन में जो हम लोग खाना खिलाया गया सेम वही क्वालिटी का वहाँ भी था खाना, क्वालिटी सही था। चलिए ठीक है, आप कहाँ से? मुंबई। अच्छा अच्छा,
तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:30, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डाइनिंग कार में, वहाँ पे टी कॉफ़ी के लिए भी बुलाया गया है। पूरी ट्रेन का सबसे बेस्ट पार्ट है ये, खाना पीना सब यहीं पे। हमने लिया ये कॉफ़ी, वैसे आपके पास ऑप्शन रहता है चाय का भी। ये पकौड़ा है, केक है, फ्रूट केक, ये एप्पल जूस, ये सैंडविच। वैसे भाई पकौड़ी जो है ना वो बिल्कुल गर्मा गर्म है भाई, काफ़ी बढ़िया, हमने भी ट्राई किया। तो एक नया चीज़ मैं देख रहा हूँ ट्रेन में, वास्मेटिक मशीन है, यहाँ पे जितना भी बर्तन वगैरह है ना इसी में साफ़ होता है। तो इस मशीन के नीचे में यहाँ स्पेस है, नीचे में बर्तन डाला जाता है, कप वगैरह रखा जाता है, ऑटोमेटिक ये साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे अपने एक फैमिली मेंबर मिले हैं, बगल में ट्रेन खड़ी है मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस, हमने अभी आपको दिखाया था, तो ये इसी में ट्रैवल कर रहे थे। इसी में मैं भी ब्लॉग ही बना रहा था। अच्छा आप ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग में चैनल भी आपका? हाँ कृष्णा मधेशिया लोको। चैनल क्या नाम बताया? कृष्णा मधेशिया लोको। और भैया मतलब मैं आप ही का ना वेट कर रहा था कि रामायण एक्सप्रेस आप भी वेट, अरे चैनल को जो है ना वो बनाया वीडियो, और आज फाइनली जो है ना वो रामायण एक्सप्रेस भैया भी कवर भी कर रहे हैं। शाम के बज रहे हैं 5:25 और 6:20 में हम लोग का डिपार्चर है अभी बताया गया है। अभी क्या है कि मेरे पीछे अंकल हैं, अब उनको मार्कर लेना है, ठीक है, तो अभी शायद देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बाहर से ले लेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की हर स्टॉल पे चले गए लेकिन फिर भी मार्कर नहीं मिला। और क्या है कि स्टेशन के बाहर में मार्केट नज़दीक नहीं है, थोड़ी दूरी पे है, इस वजह से डिसाइड किए हैं कि अब सीतामढ़ी में ही मार्कर लिया जाएगा। की नैया है मेरे दीन बड़ा भारी, गल उड़ गई नैया तो, गल उड़ गई नैया तो, मुश्किल है मेरा जीना, अब तक जो निभाया है आगे। चलिए अब बात करते हैं कि आप इस ट्रेन का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, रामायण एक्सप्रेस ट्रेन का, साथ ही कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लाना पड़ सकता है अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो, और सीट कैसे अलॉट किया जाता है। पहले इस ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको IRCTC ऐप डाउनलोड करना होगा, नहीं तो IRCTC की वेबसाइट पर जाना होगा। साइट पर जाने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपनी यूज़र आईडी से, उसके बाद आपको टूरिज्म का आइकन दिखेगा, उसे आपको टैप करना है। टैप करते ही भारत गौरव का एक आइकन बना हुआ आपको दिखेगा, वंदे भारत का लोगो लगा हुआ है, उस पर आप टैप कीजिएगा तो बहुत सारा यहाँ पे आपको ट्रेन दिख रहा होगा, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है सारा, तो इसमें अपना पैकेज बुक करवा सकते हैं। आगे जो भी यात्रा होगी वो यहाँ पे दिख जाएगा सारा डिटेल्स, और यहाँ से आप अपना जो भी डिटेल्स है वो फिल करके टिकट यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। लेकिन सीट नंबर, कोच नंबर, ये आपको यात्रा से 8 दिन पहले मैसेज आएगा, मेल आएगा, और IRCTC वाले जो हैं वो कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि भैया आपका कोच नंबर इतना है, सीट नंबर इतना, आप नोट कर लीजिए। अब बात आई डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको आना होगा रामायण यात्रा आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि हम लोग जाएंगे नेपाल में, ठीक है, इसके लिए पासपोर्ट जरूरी है। साथ ही वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने होंगे। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था,
तो भाई अभी रात के बज रहे 9:40 और हम लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है लगभग एक घंटा पहले, लेकिन उस वक्त क्या है कि हम वीडियो नहीं बना पाए। उसके पीछे रीज़न ये था कि म्यूज़िक बज रहा था पूरे कोच में, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, भजन वगैरह बज रहा था, तो उस वक्त अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करते तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता, फिर एक प्रॉब्लम हो जाता मेरे लिए। इस ट्रेन की तो यही खासियत है, हर दिन जो है ना अलग अलग खाना सर्व किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही खाने को हर दिन रिपीट किया जा रहा है, हर दिन का अलग अलग मेन्यू है, मेन्यू के हिसाब से खाना दिया जा रहा है। तो आज जो डिनर में दिया गया था वो था पालक पनीर की सब्ज़ी, भाई साहब एक नंबर सब्ज़ी था, खा के तो मज़ा ही आ गया। और आलू शिमला मिर्च का सूखी सब्ज़ी था, वो भी काफ़ी बढ़िया था। पराठा, रोटी, राइस, दाल, स्वीट्स में रसगुल्ला, साथ ही योगर्ट दिया गया था, और हाँ स्प्राउट्स भी दिया गया था। खाना नो डाउट भाई काफ़ी बढ़िया है खाना, इस ट्रेन का खाना खा के मज़ा आ गया। तो चलिए खाना पीना हो गया, अब चलते हैं अपने कोच में, थोड़ा भजन वगैरह होगा, कोच के जो को पैसेंजर हैं वो भजन वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर सोएंगे और डायरेक्ट आपसे मिलेंगे सुबह में।